मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपने अपनी जो कॉलेज और ग्रेजुएशन किया है वो विवेकानंद महाविद्यालय से किया है। यस सर। तो पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी तीन क्वालिटीज़, या जब आपने विवेकानंद जी के बारे में जाना और पढ़ा ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसी हस्ती हैं जिनकी मूर्ति ज़रूर होगी आपके विद्यालय में, तो ऐसी तीन क्वालिटीज़ आपको कौन सी लगी जिनको आपको पढ़ करके अपने जीवन में कोई इंस्पिरेशन मिली हो, या उन क्वालिटीज़ को आपने अपने जीवन में एक लर्निंग एक्सरसाइज की तरह परिकल्पना की हो या उसको अपने अंदर अडाप्ट किया हो। यस सर। सर सबसे पहले तो मुझे जो लगता है उनका जो विचार था, जैसे कि सर शिक्षा को लेकर था, जैसे वो सर ये कहते थे कि एक युवा को मुख्य ध्यान इस पे देना चाहिए या शिक्षा पे या उस तरह की। अगर उन्होंने एक, उनका सर प्रसिद्ध कथन है कि एक जो बच्चा है या फिर युवा है उसको बजाय गीता का या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करने के बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए। तो मुझे सबसे सर प्रिय वो लगता है कि अपनी एज के आधार पर उनको कार्य क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए। दूसरा जो मुझे जो प्रभावित लगता है, उनका जो प्रभावी करता है वो सर है उनका जो भारतीय संस्कृति और जो पश्चिम की भौतिकता है उसके संश्लेषण को जो उनका विचार है, एक प्रकार से वो संश्लेषणकर्ता कहे जाते हैं भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिम की भौतिकता का। और तीसरा सर जो युवाओं को लेके उनके विचार हैं, विशेष तौर पे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। तो मुझे लगता है कि ये सर तीन सिद्धांत हैं जो मुझे